हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 11th क्लास बायोलॉजी में अपन लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लेसन हमारा जो है वो है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इलेवेंथ बायो चैप्टर फर्स्ट। तो बच्चों, इसमें हमने जीव जगत में वर्गी की जो है उसके संवर्गों के बारे में पढ़ रहे थे कि सात पदों या सात संवर्गों के अंतर्गत हम जीव का, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं। तो ये जो सात जगत हैं, इनको एक सिस्टम से अरेंज किया जाता है, यानी इनका जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं वर्गीकीय या वर्गीकीय टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम का मतलब होता है कि जो वर्गीय संवर्ग है, यानी कि वर्गीय संवर्गों या पदों का सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, यानी कि सिस्टमैटिक व्यवस्था, अगर उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से अपन एक तरह से घटते क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो इसे ही वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं। जैसे हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले जगत, जगत के नीचे संघ या प्रभाग, प्रभाग के बाद वर्ग, फिर गण, इसके बाद कुल, कुल के बाद वंश, और वंश के बाद जाति। यानी जगत, संघ या प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो इस प्रकार का जो इनकी व्यवस्था है, सिस्टमैटिक जो व्यवस्था है, इसी को हम बोलते हैं वर्गीकीय पदानुक्रम। वर्गीकीय पदानुक्रम यानी इनकी सिस्टमैटिक व्यवस्था। ये हमने इनका घटता क्रम लिख दिया, ये हो गया इनका घटता क्रम। सबसे बड़ा जो जगत है उसको सबसे ऊपर रखा है, और सबसे छोटा जो छोटी जो इकाई है जाति, उसको सबसे नीचे रखा है। तो इसको बोलते हैं वर्गीकीय पदानुक्रम। अब इसको अपन कुछ उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, सबसे पहले एक उदाहरण लेके चलते हैं हम। उदाहरण है जैसे सामान्य नाम होता है मनुष्य, और मनुष्य का ये सामान्य नाम हो गया। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस, यानी कि सामान्य नाम तो हो गया ह्यूमन, वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस। होमो और सेपियंस को अलग अलग हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले लिखते हैं जगत, जगत यानी कि इसका किंगडम।
तो मनुष्य का जो किंगडम होता है वो होता है एनिमेलिया, ठीक है। सेकंड जगत के बाद आता है संघ यानी फाइलम। तो मनुष्य का जो फाइलम होता है वो होता है कॉर्डेटा, एनिमेलिया कॉर्डेटा। फाइलम संघ के बाद आता है वर्ग यानी क्लास। तो ह्यूमन की जो क्लास होती है वो होती है मैमेलिया, मैमेलिया। वर्ग के बाद गण यानी ऑर्डर, ऑर्डर होता है प्राइमेटा। गण के बाद कुल यानी फैमिली, फैमिली है होमिनिडी। उसके बाद है वंश, इट मीन्स जीनस। तो जीनस यानी जो वंश होता है वो होता है होमो। और लास्ट में जाति यानी स्पीसीज जो की होती है सेपियंस। तो इस तरह से ये मनुष्य का कंप्लीट जो वर्गीकरण हो जाता है, जिसमें हमने इसके सातों पद लिख लिए हैं। सबसे बड़ा जो जगत है, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर जात गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। तो इसी तरह से अपन एक पादप का भी उदाहरण लेकर चलते हैं। यहाँ पर पादप में हम ले सकते हैं, जैसे सामान्य नाम के रूप में हम ले सकते हैं गेहूं यानी कि वीट, ठीक है। गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है ट्रेटिकम, ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम, ठीक है। गेहूं का जो जगत होता है, जगत होता है प्लांटी, प्लांटी जगत होता है क्योंकि ये प्लांट्स में आ रहा है। गेहूं का संग, संग की जगह हम कौन सा यूज में लेते हैं, प्रभाग। गेहूं के लिए प्रभाग यानी कि डिवीजन, डिवीजन शब्द काम मिलेंगे। तो डिवीजन जो होता है वो होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी यानी कि आवृत बीजी पौधा। जो वर्ग होता है वो होता है मोनो, मोनो कोटिलिडोनी यानी कि एक बीज पत्री। गण जो गेहूं का होता है पॉयल्स। और गेहूं का जो कुल होता है वो होता है पोएसी, पोएसी कुल होता है। और गेहूं का वंश ये आ गया ट्रेटिकम और जाति आ जाती है एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम। तो इस तरह से ये अपने उदाहरण, दो उदाहरण ले लिए, एक तो जंतु का उदाहरण जिसमें मनुष्य का हमने उदाहरण लिया है और दूसरा उदाहरण लिया है गेहूं का यानी कि एक पादप का। तो दोनों का हमने वर्गीकीय पदानुक्रम के आधार पर संपूर्ण वर्गीकरण किया है, जिसमें हमने इसके सातों पद जो हैं इसमें जगत से लेकर जाति तक उन सभी पदों का यहाँ पर हमने वर्णन किया है। अब ये जो कुछ वर्ड हैं, अगर आपको इनको याद करने में दिक्कत हो तो हम इनका हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं, जैसे होमो सेपियंस।
ठीक है, मनुष्य को होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम होता है, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, पोडेटा मैमेलिया, प्राइमेटा होमिनिडी, होमो सेपियंस, ठीक है। इसी तरह से वीट जो गेहूं है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, प्लांटी पादप जगत होता है एंजियोस्पर्मी यानी आवृत बीजी जो है इसका प्रभाग है, मोनो कोटी लेडोनी यानी इसको अपन एक बीज पत्री भी कह सकते हैं, एक बीज पत्री इसी को बोलते हैं, ठीक है। कॉयल्स गण है, पोएसी या फिर इसको ग्रैमिनी भी बोल सकते हैं, ग्रैमिनी कुल हो जाता है, ठीक है। ये ट्रिटिकम हो गया और ये एस्टिवम। इस तरह से ये जो दो, एक तो पादप और एक जंतु, दोनों का कंप्लीट वर्गीकरण हमने यहाँ पढ़ा और ये वर्गीकरण पदानुक्रम के अनुसार दिए जाते हैं। तो बच्चों अपनी जो ये लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो लेसन अपना कंप्लीट होने के बाद 2 या 3 दिन में अपन इसका टेस्ट भी लेने वाले हैं। अभी ये जो लेसन है बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है, इस वीक में ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी जो क्लासेस चल रही हैं आपकी ऑनलाइन, इनको कंटिन्यू रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।